पंचायत सीजन 1 का अंत काफी शानदार हुआ था, जहां पर रिंकी की एंट्री आप सभी ने देखी थी और सीजन 2 की शुरुआत में रिंकी और सचिव जी की स्टोरी आगे बढ़ती नजर आई थी। किस तरीके से रिंकी की शादी को लेकर काफी चर्चाएं हुई, तो उस बीच सचिव से लेकर मुलाकात और फिर जो बातें प्यार बदलती नजर आ रही वो सभी दर्शकों ने देखी। तो आप सभी को याद होगा किस तरीके से रिंकी ने सीजन 2 में काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया। अब रिंकी ने एक इंटरव्यू दिया जिस दौरान उन्होंने इस पंचायत सीजन 3 को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर दिए। तारीख को लेकर भी लगभग उन्होंने जानकारी दे ही दी, तो आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपको बताते चले, पंचायत सीजन 2 का अभी ही रिलीज़ हुआ था, जहाँ पर दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया। अमेजोन प्राइम पर इसका स्ट्रीमिंग हुआ। फैंस काफ़ी प्यार देते नजर आए सचिव और रिंकी की इस सुगबुगाहट भरी प्यार भरी नोकझोंक को लेकर, जहां पर रिंकी अलग ही धुन में नज़र आई तो सचिव का किरदार भी बिल्कुल अलग नज़र आया इस बार, और इनके दोस्त की एंट्री ने सभी को काफ़ी हंसाया गुदगुदाया भी। लेकिन अब बात करें सीजन 3 को लेकर और इनके इंटरव्यू को लेकर, तो ये आपको बताते चले किस तरीके से रिंकी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी और गाँव में जो कुछ हुआ फुलेरा गाँव से शूटिंग के दौरान इनको जो एक्सपीरियंस मिला उसको लेकर कुछ बातें रखी। जी हाँ, उन्होंने कुछ बातें ये रखी हैं कि पहले के मुकाबले गाँव का माहौल काफ़ी हद तक बदल गया है, वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आज भी लोगों को लड़कियों की शादी की हड़बड़ी होती है। जैसे ही लड़की 18 साल की होती है वैसे ही उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं। माँ बाप पर समाज ये कहकर शादी का दबाव डालने लगता है कि अरे अब तो ये बड़ी हो गई है। वही कुछ हमें रिंकी के साथ भी देखने को मिला था सीरीज़ में, कि अभी रिंकी थोड़ी बड़ी हुई थी कि उनकी शादी की बात चला दी। आपको बता दें किस तरीके से रिंकी ने और क्या बातें कही। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया सीरीज से जुड़ा सवाल, जहाँ पर पूछा गया किस तरीके से 2 कप चाय, 1 बार लालटेन और समोसा चाट, ये सब हमने पहले सीजन के दूसरे सीजन में देखा। अब पहले सीजन के टंकी वाले सीन से लेकर दूसरे सीजन में रिंकी और सचिव जी की हर मुलाकात में लव एंगल की शुरुआत होने की अटकलें लगती रहीं। क्या सचिव जी के तबादले की खबर से आप दोनों का रिश्ता रफ्तार पकड़ेगा, ये सवाल था। अब रफ्तार पकड़ेगा या नहीं ये कह पाना तो मुश्किल है। अभी पंचायत के तीसरे सीजन की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, रिंकी को सचिव जी के तबादले की वजह से बुरा जरूर लगा है, क्योंकि वह सचिव जी से बात करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। सीरीज में बेटी की शादी को लेकर माँ की एजुअल चिंता दिखाई गई, लेकिन पिता यानी प्रधान जी बार बार बेटी के भविष्य और अच्छे जीवन साथी का जिक्र करते हैं। आमतौर पर यह कल्चर शहरों का है। क्या आपको लगता है कि बेटियों की शादी के प्रति अब गांवों में माहौल बदलने लगा? जैसा कि आपको बताया कि 18 साल की जैसे ही लड़कियां होती हैं उनकी शादी की बात चलने लगती है, उनकी शादी के रिश्ते आने लगते हैं, एक उम्र के बाद शादी का दबाव भी बना रहता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन यह भी समय के साथ बदल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। सीरीज में लड़के वाले को ईगो दिखाया गया, लेकिन उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं की गई। आपको क्या लगता है कि हकीकत में क्या ऐसा होता है? क्योंकि आप सभी ने देखा था सीरीज में किस तरीके से लड़के वाले काफ़ी ईगो दिखा रहे थे, वो दूसरे रेस्टोरेंट में जाके बैठे हुए थे और रिंकी का पूरा परिवार एक अलग होटल में उनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर उनसे मुलाकात करने नहीं पहुँचे, वो ईगो दिखा रहे थे। तो इस पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी कि शादी ब्याह के मामले में लड़के वाले ऐसे ही ईगो दिखाते हैं। सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, बस कहेंगे आप अपनी इच्छा से अपनी बेटी को जो देना चाह सकते हो दे दीजिए, ये दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाली बात तो है। अब कौन माँ बाप चाहेगा कि ससुराल में उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों की वजह से दुख पहुँचे, तो दहेज वो भर भर कर देते हैं, तो ये कड़वी हकीकत है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले किस तरीके से रिंकी का किरदार बहुत सिंपल दिखाया गया। आपके हिसाब से गांव की लड़कियां किरदार कैसा होता है? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांव में आपको हर तरह की लड़की नजर आएगी, कुछ बहुत मज़ेदार होती हैं तो कुछ बहुत सहनशील, लेकिन यदि पंचायत 2 की स्क्रिप्ट की बात करें तो सीरीज़ में रिंकी का किरदार शांत स्वभाव वाला है, लेकिन समय के साथ साथ वो बदल भी रहा है। क्योंकि आपने देखा जब विधायक की एंट्री हुई और सचिव जी के तबादले की खबर सामने आई तो रिंकी के सर पर भी गुस्सा सवार है। अब ऐसे में कब आएगा पंचायत का तीसरा सीज़न, ये सबसे मज़ेदार सवाल और जिसका फैंस भी आंसर जानना चाहते थे। तो ये पूछा गया तो कहा गया कि मैं खुद पंचायत के तीसरे सीज़न का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी लेखक इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मेकर सीरीज़ की स्टोरी पर काफ़ी ध्यान देते हैं, इसलिए केवल स्क्रिप्ट लिखने में ही वह 8 से 9 महीने का समय लग जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि मई के मिड में ये सीरीज़ रिलीज़ हुई और अभी भी सीरीज़ को लेकर काम होगा, इसके थर्ड सीज़न को लेकर 8 से 9 महीने सिर्फ और सिर्फ इसके प्री प्रोडक्शन पर काम होगा, उसके बाद प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद है कि 2024 तक इसका तीसरा सीज़न दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकता है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैंस को
दुख पहुंचाएगा, लेकिन एक कड़वी हकीकत है कि सीजन 3 को लेकर अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फैंस के लिए जो भी परोसा जाता है बहुत सोच समझ कर परोसा जाता है कि फैंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, क्योंकि सीजन 1 और 2 को जितना प्यार मिला उसके दुगना तिगना प्यार सीजन 3 को चाहते हैं। ऐसे शायद ये पहली सीरीज है जिसकी सक्सेस पार्टी इसके रिलीज होने से पहले ही कर दी गई थी। ऐसा हमने नहीं बल्कि सतीश रे, जो सिद्धू के किरदार में नजर आए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी थी कि सीजन 3 की जो सक्सेस पार्टी थी वो पहले सीजन 2 की सक्सेस पार्टी पहले ही कर दी थी उसकी रिलीज होने से पहले, क्योंकि सबको पता था कि ये सुपरहिट जाने वाली, और यही देखने को मिला, सुपरहिट गई और अभी भी फैंस इसको प्यार दे रहे हैं। तो रिंकी ने साफ बता दिया कि 2024 तक शायद शुरुआत में या मिड में ही हमको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। 1.5 साल का लंबा इंतज़ार लगेगा, 8 से 9 महीने स्क्रिप्टिंग में, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन का काम होगा, तो इंतज़ार तो लंबा रहेगा ही। तो ये एक छोटे से सवाल का बहुत बड़ा आंसर, मतलब 1.5 साल लंबा वक्त इंतज़ार दे दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या सीरीज़ में हमको नया देखने को मिल सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कुछ इंटरव्यू के मज़ेदार क्लिप्स दिखाते हैं, जो सीज़न 2 की प्रीमियर यानी लॉन्चिंग के वक्त इंटरव्यू लिए गए थे सचिव जी, जो कि जितेंद्र का किरदार था वो निभाए, और दूसरी तरफ बिट्टू की मम्मी का किरदार सभी को बहुत पसंद आया वो भी है, प्रधान जी के साथ उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक देखने को मिली। तो आप इस वीडियो का मज़ा लुत्फ उठाइए जहाँ पर ये नोकझोंक करते नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीरीज से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो देखिए आप ये वीडियो। सही है, आप ही बात करो यार इनके साथ, मैं क्यों, मैं तो शो में भी नहीं हूँ, आप बात करो ना इनसे। नहीं नहीं, एपिसोड्स में और मजा आएगा, ट्रेलर से ज्यादा मजा आएगा। ये जो, चलिए शुरू करते हैं, मुझे बताइए कि जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको भी। वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आराम से। अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा, बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी, और जो इस सीज़न में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है, तो मज़ा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में। बहुत बढ़िया रितु, टॉक टू मी अबाउट द फैक्ट दैट ये शो जो है इतना पॉपुलर, इतना वाइल्डली सक्सेसफुल, लेकिन ऑडियंस की वजह से क्या रिएक्शंस हैं और कितना इंतज़ार रहा है सीज़न 2 के लिए, आप बताएं मुझे। आई थिंक हाँ, मतलब जब बना रहे थे तो वही कन्फ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा, मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कंटेंट अच्छा बना रहे हैं बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था। एंड आई थिंक हाँ, प्राइम वीडियो ने काफ़ी उसको अच्छे से मार्केट किया और सब लोगों तक पहुँचा वो, तो उसके लिए थैंक यू प्राइम वीडियो। एंड जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी इतना खतरनाक था कि हम किसी से भी वेट नहीं हो रहा था कि कब सीज़न 2 हम स्टार्ट करेंगे और कब वो आएगा, एंड फाइनली वो डेट आ गई है 20 मई, और वो आने वाला है, होपफुली सबको अच्छा लगे। जी तो मुझे बताओ कि अभिषेक जी क्या कभी फुलेरा छोड़ेंगे अब? हाँ, ये सवाल गंभीर है लेकिन ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सवाल। हाँ, मुझे लगता है अभिषेक का तो मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है गांव सुंदर इतना है, गांव के लोग सुंदर हैं, तो आई थिंक अभिषेक तो वहीं रहना चाहता है, बाकी तो हाँ डेस्टिनी है अभिषेक की। That's a fantastic trailer. Thank you so much, Jitu. Thank you so much for joining us. Raghuveer ji. Ji. Loki laaye hain. Ye mujhe Loki jaisa laga hai. Itne sare kirdar. Main aapse kahun, ye mera personal fan moment hai, kyunki jaise maine aapko backstage bhi kaha ki hum to aapko tab se dekh rahe hain jab se humko pata hi nahi tha ki hum kya dekh rahe hain. 88 ki baat hai, Mungeri Lal ke Haseen Sapne. Us time se aapko dekhte aa rahe hain, lekin main jaanti hu ki एज एन एक्टर यू नो अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे, एक्चुअली आवाज आ रही है? नहीं, उनको पीछे रिकॉर्डिंग। अरे उनको भी आ रही so, क्या है ये माइक वाइक की आदत नहीं है लौकी समझ के पकड़। हाँ जी, लौकी समझ के पकड़। आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना, ना आपको लौकी खिलाया हम छोड़ेंगे नहीं। क्रांति देवी, आप समझती कहाँ हैं अपने आप को, अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है, बताएंगे हम आपको, बहुत हो गया। एक बार और आपने कहा था, ठीक है, अच्छा। तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा, एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से ज़िंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ,
और सीखने भी बड़ा मज़ा आता है। कोई भी कुछ कह देता सुन लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ, और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ, और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं इख्तियार करता फिर। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा, और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही गांव का, बैलगाड़ी चलाता था, बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ पे मेरे नाना जी ज़मींदार थे, और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था, और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी, और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उससे उनकी डेथ हो गई, उन्हीं की स्मृति में वो स्कूल बनवाया और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो अभी भी है लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, तो हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले, और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज़्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है। तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ। फिर ये प्रधान जी मुझे मिल गए, तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान विधान सब हुआ करते थे, और मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ, तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, ये पूरे पंचायत का मज़ेदार ऐसा लगता कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मज़े किए मैंने, और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे ये जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया, ये देखो गुंडी है ये सब, तो इनके साथ फिर और मज़ा आ गया, फिर लोगों से भी बहुत सीखा मैंने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने लंबी बात कर दी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलते रहिए प्रधान जी, आपका तो बनता है, आपका तो बनता है। हाँ मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ आराम से, क्या कम से वो लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन है ना, कम में नहीं समझ तो फैला के समझाता। नहीं नहीं, फैला के ही फुलेरा की बातें होनी चाहिए, कुछ रह ना जाए, रह ना जाए। बिल्कुल सुनीता जी, हाँ मैं देख रही हूँ कि मतलब क्रांति देवी के रूप में आकर दीदी छा रही हो, मुझे बताइए कि ये जो इस सीजन में आप कितना बवाल मचा रही है, क्योंकि काफी लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नडिंग चल रही है पूरे सीजन की। नहीं नहीं, कसर तो प्रधान जी भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, पर ये है कि हाँ मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सारे मसाले हैं, तो मिर्च का जो आखिरी तड़का है, ओहो तो ये वो मिर्च का तड़का है। क्या बात है, क्या बात है, ये कोई आप कुछ फेंक रहा था ट्रेलर में, चप्पल थी ये किसने फेंकी है चप्पल, जरा बताइए। ये है ना ये जीतू जी, अभिषेक जी आपने ये किया, सचिव जी ने फेंकी है, सचिव जी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, इंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल कुछ नहीं था, गलती से हुआ था, ये लोग सब करते हैं फिर कहते हैं हमने तो इंटेंशन नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चप्पल को गिरते हुए नहीं देखा, उसमें फूल भी लगे हुए थे। मैं जानती हूँ कि इस शो में कहीं ना कहीं ये एक वॉर जैसा लग रहा है ना, कि आप इनका एक परिवार जैसा है और आप जो हैं अलग हैं, लेकिन आई एम श्योर कि शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। ना 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 बिल्कुल। तो जरा बताइए यहाँ पर कौन कितने पानी में है, सबसे ज्यादा कौन सताता है, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा बातें करता है, जरा बताइए कौन कितने पानी में है। नहीं नहीं, ये तो मतलब हम लोग ऑन स्क्रीन इस तरह का किरदार है, पर अदरवाइज हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत आपकी बहुत फेवरेट अच्छा है। एक को चुनना है, चलो चुन लो। नहीं ये सब बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, सच बताऊं तो मैं भी फैन थी, बिकॉज मैं पंचायत वन का हिस्सा नहीं थी, और जिस तरह आप सब लोग पंचायत देखने के बाद उसके फ़ैन हो गए थे, उसी तरह मैं भी उसकी फ़ैन हो गई थी। और आर्टिस्ट की एक भूख होती है, जो भी कुछ अच्छा काम होता है ना, उसको लगता है काश इसमें मैंने भी कुछ किया होता, तो मेरी तो वो मुराद पूरी हो गई। क्या बात है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम वीडियो की, TVF की, और इन सारे कलाकारों की, मेरे डायरेक्टर की, राइटर की, कि मुझको मौका मिला। और ऑफ स्क्रीन तो सबके साथ बहुत अच्छा। फेवरेट एक को चुनना है, एक को। ये पंचायत थ्री के लिए बीच डाल रही लड़ाई के। मैं मजाक कर रही थी सुनीता जी, मैं मजाक कर रही थी। नहीं, शी इज लाइक मैं चुनूंगी, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। मेरी फेवरेट अभी
है नहीं, मेरी फेवरेट है नीना गुप्ता, तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा समय गुजरता है, तो हम इन सब की भी बुराइयां कर लेते हैं। अच्छा, ये तो लेडीज वाली पार्टी होगी ना, बहुत बढ़िया, जैसे कि हम कर रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजल भाई, आपसे बात करनी है मुझे जरा माइक। शुक्रिया प्रहलाद जी, जब आते हैं स्क्रीन पर उनको देख के मुस्कुराहट छूटने लगती है, मुझे बताइए आप में और प्रहलाद जी में क्या कॉमन है आपके किरदार में और आप में? जी मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, खूब खाया अभी तक खा रहा हूँ। अच्छा, तो आर यू मेथड एक्टर, तो ये सब जो वेट चल रहा है ये पंचायत की वजह से चल रहा है? नहीं नहीं, मैं वैसे भी था, पर मुझे अब अपने आप को झूठ बोलने के लिए पंचायत का नाम दिखा देता हूँ, इसकी वजह से वेट ऑन, इसकी वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत किया मैंने। और इस सीजन में तो आप अलग नहीं लग सकते थे, तो फिर खाया मैंने एक डेढ़ साल, फिर जो है इसको सोचते सोचते कि अगले सीजन में अगला फिर आएगा, फिर खाता रहूंगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जैसे एक्टर लोग, मैंने वेट गेन वेट लॉस, मैं वेट गेन, फिर जो है मेरा कुछ वीडियो वीडियो भी बन के आएगा कुछ दिन बाद, 220 पार होने का पंचायत 10 में पंचायत 10 में हाँ देखेंगे कि एक्चुअली उसका ये आर्क यही होना चाहिए कि प्रहलाद जी के साथ क्या होता है, टंकी के पास मेरी टंकी होगी तो ऐसे वैसा रहेगा। फैजल मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा शो जहाँ पर हर किरदार को मिल रहा है इतना प्यार जी। आप मुझसे उस प्यार की बात कीजिए कि आपके लिए क्या किया है इस शो ने। इस शो ने एक्चुअली, मैं तो एक्टिंग करता नहीं था, तो इस शो में मतलब जो किया उसके बाद एक दिन अप्रैल को दुनिया ही बदल गई, तो तब से अभी तक बदली हुई है, तो उसको रोज देखता हूँ, अच्छा ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो वो शो की वजह से हुआ है। थैंक यू चंदन और दीपक का, बिल्कुल, बाकी सारे लोगों का। तो मेरे तो ये पिछले एक दो साल से शुरू हुआ है एक्टिंग और ये सब सारी चीज़ें, तो मैं रोज़ ही देखता हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पंचायत की वजह से हो रहा है, और पंचायत धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है, तो एक जर्नी है मजेदार से। हाँ जी बिल्कुल। और सीजन टू में प्रहलाद जी क्या करेंगे कुछ बता सकते हैं? बस भाई मैंने बताया बॉडी बना रहा हूँ, बॉडी बना रहे हैं क्या, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप माइक चंदन जी को जे बॉडी बना रहे कि पेट बना रहे चंदन जी मुझे बताइए कि ये जो कहानी है, यू नो सीजन वन के बहुत फैंस हैं उनको कहानी शायद पता है, लेकिन जो मैंने दीपक सर से पूछा थोड़ी देर पहले कि सीजन टू में जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक प्रेशर होता है, एज अ राइटर क्या ये प्रेशर लेना ठीक होता है, अच्छा होता है? थोड़ा सा प्रेशर तो लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बिना उसके तो नहीं होता है, बट हाँ उतना डरने की कोई बात नहीं थी, इतना तो पता था, क्योंकि अगर हमने वन जब बनाया था उस समय भी कुछ चीज़ें आगे क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है, इतना कोई ब्लाइंड टर्न नहीं था कि सडनली कि अब वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी, और जब एक बार आगे फिर गो अहेड मिला उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया एंड वी लाइक फिनिश्ड इट इन अ गो, एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑल राइट आई गेस। यू नो मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले स्टेज पर, उन्होंने एक्चुअली कहा कि जितनी रूटेड कहानी हो उतनी ही वो ग्लोबल हो सकती है। और मैंने कहा वाओ क्या स्ट्रेटजी है आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, लोग दूसरे लोग भी बना सकते हैं ऐसा शो, ओ माय गॉड ऐसे मत बोलो सीक्रेट्स। लेकिन आप मुझे बताओ व्हेन यू आर राइटिंग, यू नो आप भी यही मानते हैं कि जितना रूटेड एक यू नो एक कहानी हो उतनी ही उसकी रीच कॉमन होती है, या फिर क्या ये हर बात पर अप्लाई नहीं करता? नहीं, जैसे रूटेड का भी एक डिफिनेशन है कि आप रूटेड किस चीज को कहते हैं, लाइक जी हाँ राइट, रूटेड एक होता है कि आप कई लोग अज्यूम कर लेते हैं रूटेड लाइक केवल गांव देहात की कहानी है, राइट कि हाँ तो कहीं तो ये रूट से जुड़ा हुआ है कुछ वैसा है, बट एक लोकेशन हो, हाँ करेक्ट, बट एक्चुअली रूटेड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड थिंग्स, राइट। अब उसमें बड़ी छोटी चीजें हो रही हैं, स्केल हो सकता है डिफर है, तो बड़ी स्केल की मूवीज भी रूटेड होती हैं, बिल्कुल, बड़े स्केल के शोज भी रूटेड होते हैं, सो रूटेड का अगर डिफिनेशन ऐसा है कि हाँ बेसिक आप चीजों पे प्ले अप कर रहे हो, सो दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इट विल बी यूनिवर्सल, दैट्स फैंटास्टिक। दीपक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू नो हर कहानी की शुरुआत स्क्रिप्ट से ही होती है, and I must congratulate TVF for a wonderful 10 years as well. TVF ke liye taaliyan honi chahiye, it's 10 years of great content guys, let's not forget that. Thank you. So let's go back to that script, you know jab script aati hai aapke paas, what do you think is the responsibility of a director, you know jab ek season bahut acha kar leta hai dusre season mein jaane se pehle kaun si cheeze hoti hai jo aasan ho jati hai kyunki aapko pata hai ki ye kirdar ye log inke reactions kaise hain, to ek newness kaise laate hain apne sath? देखिए न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है जी हाँ, ठीक है, अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है,
तो काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियाँ बदली हैं सीज़न वन से टू में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हों चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों, सबकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है, और उसको जैसा लिखा गया है उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुँचाना, वो चैलेंज होता है। मैं देख रही हूँ कि इस सीज़न में बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ फैन, जैसे कि बवासीर को हम नहीं जाने देंगे, एंड आई थिंक जिनको पता नहीं था उनको भी पता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस राइट। कि एंड आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस थोड़ी देर पहले कि आई एम अ बॉम्बे गर्ल, यू नो, यहाँ पर पैदाइश हूँ, तमिल हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, यू नो, एंड ये मेरी डिसएडवांटेज है ऑनेस्टली। लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ पर यू जस्ट गेट इनटू दैट वर्ल्ड एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ये भाषा जानते हैं, क्या आप ये रेफरेंसेस जानते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द विन ऑफ पंचायत। सो आई वांट टू से दैट दिस इज़ माय पर्सनल वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। थैंक यू ये सीजन टू लाने के लिए हमारे लिए। 20 तारीख को आप देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अपने माइक्स ना तैयार रखिएगा, एंड जिनके पास ना हो तो प्लीज़ पास ऑन कीजिएगा। अपनी जो ऑडियंस हैं यहाँ पर भी फैंस हैं, आई'd लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। यू नो व्हाट टू डू, you'll raise your hand, a mic will come to you hopefully and you can answer. Siraj ji, namaskar. bahut hi kam kar raha hu kyunki mere paas hello ha actually main bahut zyada kaam karna nahi chahta, nahi panchayat bhul jaunga main, to main aaram se itminan se shuru se meri aadat yahi rahi, jitna bardasht ho jaye utni karo, aisa nahi ki ek pair idhar rakha ho do kashtiyon mein sawar ho jaun to fir na is kashti mein bachunga na usme, main to beech mein reh jaunga। तो मुझे इत्मीनान से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और वैसे ही काम करना चाहता हूँ मैं, और ये मेरी नियत ही पहले से ऐसी रही कि वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे। अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा। तो बस इसी नियत से मैं काम करता हूँ और कम काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि बस जिसमें सुकून मिले बस वैसे ही करते चलो, उसी रफ्तार से चलो बस।